हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रमागत संख्याओं का योग। जैसे कि कोई भी सीरीज दी जाती है आपको, तो उनका सम निकालना है, योग करना है उन्हें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग डाल दी है। अब जैसे कि हमें कोई भी सीरीज दी गई है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं 1, 2, या फिर प्लस कर लो 1+2+3, इस तरह से सीरीज जा रही है। कहाँ तक? मैं मान लेता हूँ 100 तक। तो अब यहाँ पे 100 तक हम कैलकुलेटर या फिर प्लस तो करेंगे नहीं नॉर्मल, तो हमें 1 से लेके 100 तक अगर सम निकालना है, योग निकालना है, तो क्या करना है? सबसे पहले लास्ट डिजिट को उठाना है। सबसे पहले सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले लास्ट डिजिट को उठाना है, लास्ट वाले अंक को लिख देना है, और उसमें एक संख्या बढ़ाकर लिख देना है। ठीक है, 100 × 101 मतलब 100 × 101 बट्टे में 2 कंपनी की तरफ से फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस कर लें, ये जाएगा 50 बार, और 50 × 101 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5050। ये क्या हुआ आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह हमने दूसरी सीरीज देखते हैं। दूसरी सीरीज हमें दे रखी है जैसे 1+2+3, इस तरह से सीरीज जा रही है 50 तक। 50 तक सीरीज जा रही है, तो 50 तक सीरीज जा रही है, करना क्या है? सबसे पहले लास्ट डिजिट उठाना है 50, और एक डिजिट बढ़ाकर, एक अंक बढ़ाकर लिख देना है 51 बट्टे में 2। 2 से इसे काटेंगे कितनी बार, 25 बार। 25 × 25 = 5, 2 कैरी। ठीक है, 25 × 5 = 125, 25 × 125, 125 × 2 = 127, 127। तो जो फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस सीरीज का सम। ओके, 1 से लेके 50 तक का योग कितना हुआ, इतना। 1 से लेके 100 तक का योग कितना हुआ, 50 50। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते। ओके, जैसे कि हमें दे रखा है 1+2+3+4, इस तरह से सीरीज आ रही है अभी, कहाँ तक, 200 तक। ठीक है, 200 तक जा रही है, तो 200 तक जा रही है, करना क्या है, सीरीज है अभी, कोई भी डिजिट ब्रेक नहीं है, याद रखना। तो उस केस में हमें क्या करना है, लास्ट अंक लिखना है इनटू एक, 201 हो जाएगा एक अंक बढ़ाकर, और 201 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 काट दें, 2 0 बचे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 201 00। ये क्या होगा हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने बोला कि 1+2+3, इस तरह से सीरीज आ रही है, मान लेते हैं हम 400 तक। ओके, तो 400 तक जा रही है, तो क्या करना है, सबसे पहले 400 लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है कितने का, 400 1 का, और डिवाइड कर देना है 2 का। ठीक है, 2 से अगर हम इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई कर लो पहले, इसमें 2 1 कम 2 1 कम 2, 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 2 चौके 8। ठीक है, 802, और 2 0 अभी ये बचे हुए हैं, तो 2 0, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, इतना। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें। आप देखते हैं कि जब हमें सीरीज ना दी गई हो तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, ये देख लेते हैं। जैसे हमें एक सीरीज दी गई है 2+4+6, इस तरह से सीरीज गई है, मान लेता हूँ अभी मैं सिंपल छोटी सी लेता हूँ 18 तक। ठीक है, एडिशन निकालने के लिए या तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रयोग करें,
लेकिन एपी जो है, एपी से अगर हम करते हैं थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, उसे छोड़ते हैं, हम एपी से नहीं करना है। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि दो से लेके 18 तक की संख्याएं निकालनी है कि इनमें नंबर कितने आए हैं, संख्याएं कितनी हैं। तो संख्या निकालने के लिए क्या होता है, लास्ट डिजिट में से पहली डिजिट को माइनस कर देते हैं, लास्ट डिजिट में से पहली संख्या को माइनस कर, तो 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 बाई डिफरेंस, डिफरेंस कितना है इनके बीच का, 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। ओके फ्रेंड्स, और अब यहाँ पे संख्या निकालनी तो +1 होता है, ठीक है, इक्वल टू करते हैं कितना हो रहा है, 18 में से 2 गए, 2 गए तो कितने बचे, 16/2 +1। ओके फ्रेंड्स, आप 2 से काटेंगे, 2 8 16+1, तो कितनी होगी संख्या हमारी, 9। करने को हम शॉर्ट में सीधे कर लेते हैं, 18 माइनस 2 कितना हो गया हमारा, 16 16/2 8, 8 और 1 9, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट टाइम, ठीक है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि यहाँ तक 9 संख्याएं हैं मेरी, कितनी संख्याएं हैं, 9। ओके, अब क्या करना है हमें, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट, जब कभी सीरीज नहीं होती है, ठीक है, सीरीज तो है लेकिन बीच में ब्रेक है, एक एक डिजिट या एक अंक छोड़ करो, उस केस में सबसे पहले लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट 2/2 कंपनी की तरफ से फिक्स है, ये हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है, 2 हर केस में। और ये हमारा डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है, जो कि सीरीज के बीच में डिफरेंस है। ओके, अब यहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है कितने का, 9 का। ओके, 9 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करेंगे, 18 और 2 कितने हो गए, 20, 20/2 मतलब, 20/2 मतलब 10, और 10 में गुणा कितने का हो रहा है, 9 का, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 90। 90 क्या होगा हमारा, योग, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। ओके फ्रेंड्स, नोट कीजिए, कोई भी सीरीज दी गई हो, सम हो विषम हो या फिर बीच में कितने भी नंबर छूट रहे हो, तो इसी प्रकार से सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्याएं निकालनी है। जैसे कि हम, मेरे पास एक कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है 2 4 6, इस तरह से सीरीज आ रही है मेरी कितने तक, 60 तक, कहाँ तक मान लेते हैं, 60 तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में से माइनस कर देंगे फर्स्ट डिजिट मतलब 2/2 में, 2 क्या है, 2 इनके बीच का डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का, जो सीरीज में डिफरेंस जितने का हो उतने का, और +1 कर देना है, +1 हर किसी में होगा, तो 60 में से 2 गए, बचे कितने, 58, 58/2 करेंगे और +1 करेंगे, तो 58/2, 2 से काटें, 2 दुना 4, 2 नम 18, 29 और +1, तो कितनी हो जाएंगी संख्याएं मेरी, 30, तो संख्याएं हो गई, ये क्या है, संख्या, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब योग निकालना है। अब इनका योग निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट मतलब 2/2 में 2 फिक्स है, 2/2 में 2 फिक्स है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी संख्याएं हैं, या तो आप खुद ही देख लो, 2 4 6 60 तक है, और एक एक संख्या छूट रही, तो मतलब 60 की आधी संख्या हो रही होंगी, 30 हो रही होंगी, तो इस तरह से आप सीधे 30 भी कर सकते हो, लेकिन बाई चांस कभी कभी बड़ी डिजिट होती है तो हमें कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, योग। ओके फ्रेंड्स, योग निकालना है, तो 60+2 कितना हो गया, 62, 2 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 31, और 31 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 10, 3 1 जा 3 1 3, 3 3 का 9, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा मेरा, 930।
ओके फ्रेंड्स, ओके इसी तरह एक सीरीज और देखते हैं। जैसे कि हमें दी गई है 28, 30, 32, इस तरह से सीरीज आ रही है कहाँ तक, मान लेते 80 तक। ओके फ्रेंड्स, 80 तक ये सीरीज आ रही है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें योग निकालना है, एडिशन निकालना है। तो एडिशन निकालने के लिए हमें संख्याएं पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे संख्याएं बता नहीं सकते देख के, तो हमें निकालना पड़ेगा संख्याएं। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 80 में से -28/2, 80 - 28/2 डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का है, ये क्या है मेरा डी है, डिफरेंस है, ठीक है। और प्लस क्या कर लेंगे, 1, ठीक है। तो इसमें से 80 में से 28 के तो बचे कितने, 52। कितने बचे, 52। पहले मैंने 30 माइनस किया तो 50, और 50 में 2 और ऐड कर दिए, 52। 52/2 + 1 तो 52/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 से 2 दुना 4 और 2 छिंग 12, 26 हो गया। 26 + 1 तो संख्याएं कितनी होगी मेरी, 27। तो मेरी संख्याएं निकल के आ गई। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, योग निकालना है। तो इन संख्याओं का योग, कभी कभी संख्या ही पूछ लेते हैं कि 28 से 80 तक संख्याएं कितनी है, तो सीधे सीधे 27 हो जाएगा। लेकिन अब अगर योग पूछ ले तो पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी और फिर योग निकालेंगे। योग निकालने के फर्स्ट लास्ट डिजिट +28/2 फिक्स है यहाँ पे, और इंटू कर देंगे 27 का। तो हम यहाँ पे अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, 80, 90, 100, तो 108, 108/2 × कितना हो जाएगा, 27। 108 × 2, ठीक है। अब इसके आधे कर दे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, और मल्टीप्लाई कर दें 27 का, 54 × 7, तो ये कितना हो जाएगा, 1458। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर कितना हो गया मेरा, 1458। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन और आता है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, या फिर 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग, ठीक है। तो हम उस केस में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने एक क्वेश्चन देखा, उसमें लिखा हुआ 3 के प्रथम 10 गुणज, 10 गुणजों का योग क्या निकालना है हमें, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो हम यहाँ पे अगर 10 गुणज का मतलब देखें, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 3 × 1, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। इस तरह से सीरीज चल रही कहाँ तक, 3 × 10 तक, 3 × 10 = 30। अब इनका योग करवा रहा है ये। अब इनका योग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी डिजिट मल्टीप्लाई, अगर 18 होता तो ऐसे करते करते तो हम पागल हो जाते। तो इसलिए अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दूसरा डिफरेंट तरीका देखते हैं। जैसे अभी हमने नॉर्मल किया, उसी की तरह देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अगर बोलूँ पहला अंक क्या होगा मेरा, 3 होगा। अगर मैं दूसरा अंक निकालूँ तो दूसरा कितना होगा, 6 होगा। और अगर मैं तीसरा निकालूँ, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 होगा। और ये सीरीज कहाँ तक जा रही होगी, 3 × 30 तक जा रही होगी। और मुझे संख्या पता है, संख्या कितनी लिख रही होंगी, 10 ही लिख रही होंगी। तो यहाँ पे 10 गुणज जो होता है वो संख्या होती है। तो संख्याएं कितनी है मेरी, संख्या अगर मैं पूछूं तो संख्या कितनी है, 10 है। तो योग करने के लिए हम क्या करते थे, 30 + 1 digit / 2 यहाँ पे फिक्स रहता था, योग करने के समय फिक्स रहता है। और अगर हम संख्या निकालते तो उसमें डिफरेंस आता, तो कितना हो जाएगा, ये तो फिक्स है अपनी जगह पे।
ओके, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कितने का, जितनी संख्याएं, तो संख्याएं कितनी मेरी 10। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, 2 से इसे काटते हैं, 2 पंजे 10, यहाँ कितना हुआ 33, और 33 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5, 33 मल्टीप्लाई 5 से 15 की 5, एक कैरी, 5 से 15, 15 और 1 16, तो जो आंसर होगा वो कितना होगा 165, है ना, बहुत आसान फ्रेंड्स, नोट कीजिए आप। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह हम अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड, इसी तरह से गुड़जों का। ओके, जैसे कि हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है, 6 की प्रथम, 18 गुणजों का योग। ओके, अब 6 की प्रथम 18 गुणज, अब क्या करना है, अगर सीरीज जारी होगी, 6 कम 6, 6 दूनी 12, इस तरह से सीरीज जारी होगी, कहाँ तक जारी होगी सीरीज, 18 छक्के 108, मतलब 18 छक्के 108, तो 18 छक्के कितना होगा 108 हो गया। अब यहां से लेके यहां तक संख्या कितनी होगी, 18 का मल्टीप्लाई किया तो मतलब 18 संख्या होंगी इनके बीच में, तो संख्याएं कितनी हो गई मेरी 18, 18 संख्या हो गई। अब उसके बाद में योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि लास्ट डिजिट जो है 108, ठीक है, 108 प्लस कर लेंगे 6/2, योग करने के समय फिक्स रहता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, कितनी संख्या है 18, तो 2 से काट लें, 2 नम 18, 108 और 6 कितने हो गए 114, ठीक है, 114 हो गए, और मल्टीप्लाई कितने का है 9 का, ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 की 6, 3 क्या हुई कैरी, 9 एकम 9, 9 और 3 कितना हो गया 12 की 2, एक कैरी, 9 एकम 9 और 1 10, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 10/26 क्या होगा मेरा आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है संख्याओं में, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो, आपको जैसा बेनिफिट, जैसा अच्छा लगे वैसे आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।